बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की निगाहें स्कूली वाहनों पर हैं। पुलिस ने जांच के दौरान पाया अधिकांश स्कूली वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं हैं। काशीपुर में स्कूल के बच्चों की सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन को लेकर यातायात पुलिस व CPU ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने अधूरे मानकों पर चल रहे 50 से अधिक वाहनों के चालान किए, साथ ही मानक पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान यातायात निरीक्षक नरेंद्र मेहरा ने बताया कि यातायात पुलिस व CPU की संयुक्त टीम ने 2 दिन से स्कूल व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इन स्कूली बसों में कई प्रतिष्ठित स्कूलों की बसें भी शामिल हैं। सभी बस चालकों को मानक जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो जो स्कूली वाहन है, बस है, टेम्पो है, मस्जिद है, जितने भी चल रहे हैं, इसमें उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, SSP मोदी के आदेशानुसार सभी वाहनों के 100 ड्राइवरों की DL की जांच की जा रही है और प्रत्येक बस में एक अटेंडेंट हो और जो बस चालक हो या मैजिक हो या टेम्पो चालक हो वो तो सारे यूनिफॉर्म में हो और अटेंडेंट भी यूनिफॉर्म में, और CCTV लगे हुए हों और स्पीड गवर्नर लगा हुआ हो, और जो भी इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ करोगे। इसी के उसमें CPU काशीपुर ट्रैफिक काशीपुर के द्वारा कल लगभग 40 स्कूली वाहनों का चेक भी किया गया है और उनके चालान भी काटे गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।